इतना वो शरीफ बच्चा था कि वो सर झुका के मार खाता रहा। बच्चा अगर मार खा रहा था आप उसको मुसलसल चार मिनट मारते रहे हैं, पांच मिनट, तो किसी पे हाथ उठाने का राइट आपको कोई भी नहीं देता। पुलिस फौरी आ गई थी। वुमेन हैरेसमेंट का कानून है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आपके सामने ये मेल हैरेसमेंट थी ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन प्लस और मैं हूं तैयब सुनहरी। नाज़रीन, हाल ही में गार्डन रोड के इलाका में एक पेट्रोल पंप पर एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल है, जिसमें वाजह तौर पर देखा जा सकता है तीन से चार लड़कियों की जानिब से नौजवान पर तशद्दुद किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। ये सारा वाकया है कि आप सुनने में खबरें आ रही हैं कि जो है वो मामला रफा दफा हो गया है, असल कसूर किसका था, लड़कियों का कसूर था या उस नौजवान का, ये सारा वाकया है क्या? पेट्रोल पंप की टक शॉप की मैनेजमेंट से बात करते हैं जो कि यानी शाहिदीन भी हैं, उसे जानते हैं कि वाकई की असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, देखा जा रहा है उसमें कोई लड़कियां बुरी तरह से जो है वो लड़के पर तशद्दुद कर रही हैं, आपकी शॉप का वो एम्प्लॉय है, क्या असल कहानी क्या, आप यानी शाहिद भी हैं, बताइएगा जरूर। देखें, बात यह है कि वो हमारी कस्टमर थी, कस्टमर यहाँ पे 24 घंटे हमारी ट्रक शॉप खुली होती है आते हैं, तो वो आई हैं, उनको गलतफहमी हुई है कि शायद ये हमें स्टेयर कर रहा है लड़का, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं था। उन्होंने उसको मतलब कहा तो उसने कहा जी मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और इस बात के ऊपर उन्होंने उसको मारा पीटा भी है, काफ़ी ज़्यादा मारा है। फिर उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया, उसको गिरफ्तार करवाया, वो मजिस्ट्रेट ने वो देखने के बाद फौरी मुकदमा खारिज भी किया और उनको रिहा भी कर दी। उसके बाद हमने भी दरख्वास्त दी और वो उसके बाद उन्होंने सारी इस मामले को देखा, पुलिस में जब मामला गया उन्होंने माफ़ी भी मांग ली इस मामले पे, क्योंकि गलती थी उनकी, माफ़ी मांगी और जो मामला थे वो सेटल हो गए हमारे। आपको क्या लगता है क्यों नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होगी कि लड़कियों ने कानून हाथ में ले लिया? बात यह है भाई कि कोई भी मामला जब आप उसको जज्बात जो होते हैं ना, आप हो जाते हैं जज्बाती हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के मामला होते हैं, आपको अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना चाहिए, और जज्बात पे कंट्रोल रखते किसी पे हाथ उठाने का राइट आपको कोई भी नहीं देता, कानून नहीं देता। इसी वजह से वो मजबूर हुए, माफ़ी मांगी, उन्होंने सारा कुछ किया, तो ये मामला आपको ध्यान में रखने चाहिए। आपका एम्प्लॉय भी था, आप किसके बारे में क्या राय? देखें जी, हमारे एम्प्लॉय इतना वो शरीफ बच्चा था कि वो सर झुका के मार खाता रहा, उसने हाथ तक नहीं उठाया। अगर उसको मतलब कोई ऐसा मामला होता वो आगे से कोई मतलब रिजिस्ट तो करता ना, उसने तो वो भी नहीं किया। मतलब हमारी तो ट्रेनिंग स्टाफ होता है ऑब्वियसली, तो आपको लगता है कि ये सब गलतफहमी की बिना पड़ेगा? ऑब्वियसली जी, गलतफहमी और ऐसी गलतफहमी की बुनियाद, और फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि भी बच्चा अगर मार खा रहा था आप उसको मुसलसल चार मिनट मारते रहे हैं, पांच मिनट, कस्टमर थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, उनको भी गालम गलोच किया। मतलब ये तो एक तो मामला होता है तरबियत का, उनकी तरबियत शायद इस तरह की नहीं थी कि वो इस मामले को अच्छे तरीके से देख सकती। बहरहाल मामला खत्म हो गया। हम तो सोशल मीडिया पर ये भी हाइप बन रही है, लोग कह रहे हैं जी अकेले नहाते लड़के पर इस तरह से लड़कियां तशद्दुद करें, कोई छुड़वा नहीं रहा, आप भी यानी शाहिदीन में से, आपका स्टाफ ने क्यों नहीं रिजिस्ट किया? बात यह है कि जिन्होंने छुड़वाने की कोशिश की है उनको भी उन्होंने गालियां निकाली, गालियां तो कोई भी नहीं खाता ना, और स्पेशली फीमेल से कि जी वो फीमेल इस तरह कर रही, तो इसलिए आपका स्टाफ कैसा था, प्रोटेक्ट तो किया जा सकता सर? मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी आगे आ रहा था उनको गालियां दे रही थी ना वो, तो वो आपने वीडियो में देखा होगा। दिल्कुल, दिल्कुल। तो फिर ये मामला था, इसलिए लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। गार्ड भी था, हालांकि अगर कोई ऐसा मामला हो तो गार्ड ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सुनी नहीं रही थी। क्या टक शॉप की तरफ से, आपकी जानिब से, इंतजामिया की जानिब से क्या पुलिस को कॉल की गई, क्या आगे क्या बना? हम लोगों ने तो उस मामले को, पुलिस फौरी आ गई थी, हम मतलब पुलिस आई, उन्होंने उल्टा उसको गिरफ्तार किया लड़के को, मारा भी उन्होंने और गिरफ्तार। हाँ जी हाँ जी, तो ये मामला फिर इसलिए देखें, दुख इस बात पे होता है कि वुमेन जो हैरेसमेंट का कानून है उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। बहुत अच्छा कानून है, गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। सिंपल। हुए के बाद आप क्या समझते हैं, खवातीन के अलावा मर्द भी हरास हो रहे हैं? ऑब्वियसली आपके सामने ये मेल हैरेसमेंट थी ना, क्या था ये कि भाई एक औरत ने एक मेल को हैरेस किया और बेचारे ने कुछ आगे से रजिस्टर भी नहीं किया, तो इसलिए इस पर अब क्या कानून करेगा या कानूनी कार्रवाई लड़के की जानिब से की जाएगी कि मेरे साथ ज्यादती हुई? वो तो अब उसका पर्सनल मैटर है, वो करना चाहे तो करना करे। आपकी ट्रक शॉप में मिसहैप हुआ, तो आपको लगता है कि आपको इखलाकी तौर पर इस लड़के के अपने एम्प्लॉय के साथ स्टैंड लेना चाहिए? करेंगे स्टैंड, हम उसके साथ गए हैं, सारा कुछ किया है, हम ले स्टैंड लिया तो आप लोग यहाँ खड़े हैं ना, सही बिल्कुल, अदरवाइज आप लोगों को तो खबर भी ना होती। बिल्कुल ठीक है ना, मजीद कार्रवाई की जाएगी या मामला रफा दफा हो गया जी? मामला देखें, जो भी मामला होता है सुलह पे खत्म होता है, उन्होंने उस चीज की माफी मांगी है, हम तो यही चाहते थे, हमने उनको को जेल थोड़ी करवाना था। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से सर, मैं कहता हूँ जिस मर्जी बैकग्राउंड से हो,
कानून जो है ना वो सबके लिए एक जैसा है। बिल्कुल, बस वो कानून हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया और माफी मांगी उन्होंने। सिंपल, एक दफा ये वाकया हो गया, नेक्स्ट टाइम के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होंगी, आपकी जानिब से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? हमारी थी तो कोई मामला नहीं बढ़ा ना, अगर ना होती तो वो ऑब्वियसली लड़ाई होनी थी यहाँ पे, वो भी हाथ उठाते। हम लोगों का स्टाफ फुली ट्रेंड है, वो किसी के ऊपर। बतौर पाकिस्तान के शहरी क्या समझते हैं कि मेल हैरेसमेंट का भी कोई कानून होना चाहिए? सर, अगर वुमेन हैरेसमेंट का तो मेल का भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप इसको गवर्नमेंट को इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ। बाकी ये है कि मतलब आपके मुल्क में वुमेन्स को राइट्स मिल रहे हैं लेकिन उसका नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आखिर में क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि भाई जो भी नौजवान नस्ल है उसको अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए और हर चीज का अच्छा बुरा सोच के कदम उठाना चाहिए। आई थिंक व्हाट दे डिड विद दैट गाय वाज वेरी रॉन्ग, बिकॉज लाइक हम लोग यहाँ पे रेगुलर आते हैं, वो हमें काफी नाइसली डील करते हैं, ही इज वेरी प्रोफेशनल। उसने कभी इस तरह की ऐसी वैसी कोई बात नहीं की है, तो जो आराम से उसने सर्व करने, हम लोग यहाँ पे बैठने की भी जगह है वहाँ पे हमें आराम से सर्व कर देते हैं, ही नेवर मिसबिहेव विद अस। खवातीन की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि हमें हरास किया गया, तो आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से उन्होंने आगे रिएक्ट किया, क्या ये दुरुस्त बात? पहली बात तो दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरा, इस पब्लिक प्लेस, देयर इज कैमराज एवरीवेयर अराउंड, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ही वाज लाइक रियली सो इनोसेंट टाइप के, आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह से हरकत करेंगे। आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर लाइक 1.5 ईयर। केस किया भी है, कोई इस तरह की सूरत हाल भी है, तो आप क्या समझते हैं कानून को हाथ में लेना चाहिए? तो ये क्या मेल हैरेसमेंट में नहीं आ जाता? अब हर किसी के पास कन्वीनियंस है, आप फोन करो पुलिस को या जो भी है, ठीक है, देयर सो मेनी पीपल अराउंड हियर, आप उनको बुलाओ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आप ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप उस पर उल्टा उसको मान कर सकते हैं? डेफिनेटली आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट वायलेंस इज नॉट वन ऑफ देम। दैट इज लगता है कि ये गलत हुआ इन अ वे, यस।